Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. कौन सा दो बात? Listen and vision. Listen का मतलब क्या है? Left brain. Vision का मतलब क्या है? Right brain. लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को आप कनेक्ट कर दिया, वहां कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको एक बात बताता हूं, देयर वॉज वन स्कूल बॉय हु वाज स्टडिंग इन सेवेंथ क्लास। एक दिन उसने क्या किया, स्कूल को नहीं आया, वो फिल्म चले गए, एक सिनेमा चले गए। उसके सारा फ्रेंड्स को पता चला कि एक घर में स्कूल जाता हूं बोल के सिनेमा चले गया। वो स्कूल में नहीं आया, नेक्स्ट डे स्कूल पर आया तो सभी ने भी उसको डाउट से देखने लगा, ये तो घर में झूठ बोल करके स्कूल नहीं आया है लेकिन सिनेमा चले गया। तो हिंदी का पीरियड आया, उसका क्लास टीचर हिंदी सब्जेक्ट लेते थे, सभी कंप्लेंट किया, सर ये ऐसे सिनेमा चले गए है, सर ये तो घर में झूठ बोल करके ऐसे किया। तो उस टीचर ने बोला ओके, मैं मेरा पीरियड में उसको क्या करता हूं, पूछता हूं, ऐसे बोल करके सर चले गए। जब उसका टीचर का पीरियड आया तो एक हिंदी का लेक्चर चलता था, हिंदी का सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में उस लेसन का नाम था देहली। क्या था? देहली। वो फ्रंट बेंच में बैठा हुआ था, ऐसे टीचर को देखता था, टीचर उसको ऑब्जर्व करता था, ये कॉन्सेंट्रेशन में है या नहीं वो ऑब्जर्व करता था। तो टीचर ने सबको देहली का पाठ पढ़ा दिया, तो टीचर्स ने बोला देहली में कुतुब मीनार है। अब क्लास होने के बाद प्रश्न पूछा उस लड़के को जो फिल्म चले गए थे, ए उठो देहली में क्या है। तो उसके पीछे फ्रेंड्स होता है ना, आप इन बात को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जब भी फ्रेंड ऐसे टीचर से मार खाने का टाइम आ जाता है, गाली लेने का टाइम, हेल्प करते हैं, विस्परिंग टॉक्स करते हैं, उसको क्या है, बोलो देहली में कुतुब मीनार है, बोलो कुतुब मीनार। लेकिन उस लड़के का माइंड एक जगह, बुद्धि एक जगह सिनेमा में चले गए हैं, वो सिनेमा एक देख के आया है, उसका नाम था दिल तो पागल है। क्या है? दिल तो पागल। जब टीचर ने उसको प्रश्न पूछा, उसको क्या आंसर देना था, दिल में दिल्ली में क्या था, उसने बोला दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कुतुब मीनार जाकर के क्या हो गया, सब्जेक्ट इज कनेक्टेड, वर्ड इज कनेक्टेड, व्हाट इज मिसिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? समझ में आया? क्यों आपको कॉन्सेंट्रेशन कनेक्ट होना है? यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग योर माइंड एंड इंटेलेक्ट। वो आपको बता देता हूं थोड़ी देर में। नेक्स्ट आता है अटेंशन। जब पीटी मास्टर अटेंशन बोले तो सब ऐसे ही स्टडी हो जाते, लेकिन पढ़ाई के टाइम में अटेंशन नहीं होता इसलिए टेंशन। जहां अटेंशन नहीं होते क्या होते बच्चे? नेक्स्ट होता है टॉलरेंस। कोई भी काम करना है तो टॉलरेंस चाहिए। टॉलरेंस नहीं है तो क्या होता है, हम एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आप जीवन में कितनों को भी देखो बच्चे, सारी संसार में जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, आप ले लो एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन ले लो, आप ले लो एक एग्जाम्पल पर्सन लाइक बिल गेट्स ले लो, आप एग्जाम्पल ले लो सचिन तेंदुलकर ले लो, वो भी हमारा जैसा ही ना, कोई वो ऊपर से उठकर आ गए क्या, देवलोक से नीचे उतरा क्या, उसको कैसे वो टैलेंट आ गया? जब वो एफर्ट करता है तो वो कभी मन को ढीला नहीं छोड़ता है, अपना मन का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखता है, दूसरों का अपना मन का रिमोट कंट्रोल दे दिया तो हमेशा जीवन में फेल होता है। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल अबाउट द सचिन तेंदुलकर। हाउ मेनी ऑफ यू लव क्रिकेट मैच? Okay, 70% voting. Okay, fine. How many are very fans of Sachin? अच्छा, girls को पसंद नहीं है। अच्छा, fine.
देखो बच्चे, आप सबको जितना नॉलेज में है मुझे पता नहीं, ये तो 15 साल की पहले की बात होता है। एक बार इंडिया और श्रीलंका का क्रिकेट मैच का गोल्ड वर्ल्ड कप का था, वर्ल्ड कप का था। I think teachers may remember, they can recall, it is past 15 years back. उस समय सारे इंडियंस ऐसा फील करता था राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है। सब जगह टेंपल में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, स्पेशल पूजा, स्पेशल प्रसाद, स्पेशल हवन सब होता था। और सारे इंडिया क्या इंतजार में था, हमारा इंडिया ही जीत को पाना है, वर्ल्ड कप लाना है। लेकिन एक उधर सबसे अजीब बात क्या हो गया, जब मैच स्टार्ट हुआ पहला बैटिंग किसका था, इंडियंस का था, और जो अपोजिशन होता है ना वो था पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। तो सचिन एंटर हुआ, उसको 2-3 बॉल में वो आउट हो गए। तो उसने क्या किया, he is not felt any disappointed for getting out, but he was just feeling emotionally that my Indians are waiting that India to win the match. तो उसने क्या किया, उस फील्ड को छोड़ करके ड्रेसिंग रूम में चले गए, पूरा सब कर्टन्स क्लोज किया, लाइट डिम किया, वो मैच में नहीं थे, बैठ करके एक जगह बैठ करके अपना माइंड पावर को यूज किया, विजुअलाइजेशन पावर को यूज किया, पॉजिटिव एनर्जी को उसने इग्नाइट किया। क्या इग्नाइट किया, he was not thinking who is playing, what is playing, what is going to happen, how he will do, how she will do, that turn or not, no anything, he was just concentrating that मेरा भारत माता का विजय होता ही है, मेरा इंडिया का एक गेम डेफिनेटली विक्ट्री होता ही है। ऐसे वो विजुअलाइजेशन करता था कि 2 घंटे बैठ करके उसने विजुअलाइजेशन किया कि इंडिया का जीत हो चुका है, होता है, होना है, होने वाली है, ऐसे नहीं, हो चुका है। He was seeing in his mind power that India has won the match. 2 घंटे के बाद उसने सब जगह भी शोर मचाते हुए सुना और बाहर आया, उस समय इंडिया का जीत हो चुका था। तब एक प्राइम न्यूज में, प्राइम न्यूज बोलते हैं ना, अपने न्यूज में प्राइम न्यूज आता है, देखा होगा, तो उसमें सचिन से एक इंटरव्यू लिया गया था और उससे पूछा, जब क्रिकेट मैच ऐसे आपने हार गया तो कहां गए थे, तो उसने बोला आई वेंट इन द ड्रेसिंग रूम। आप क्या करते थे, आई वॉज यूजिंग द पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो सभी ने बोला व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, तो उसने विजुअलाइजेशन बोला, ऐसे नहीं बोला बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। एडवर्टाइजमेंट में क्या देखते हैं आप, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ एनर्जी, मैंने तो क्या बोलते हैं, लेकिन सचिन ने एडवर्टाइजमेंट एड के लिए ऐसे बोला, लेकिन जीवन में सच्चाई क्या है, व्हाट ही हैव यूज्ड फॉर हिज सक्सेस, पावर ऑफ माइंड। सो पावर ऑफ माइंड इज नथिंग बट पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। समझ में आए बच्चे, तो आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट में कमजोर हो जाते हो, कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स आपका कम हो जाता है, आपके माइंड में ये क्रिएट कर लेते हो, ये सब्जेक्ट तो बहुत मुश्किल है, ये सब्जेक्ट पास होना ही मुश्किल है, मैं तो इस सब्जेक्ट में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये सब्जेक्ट से ही मुझे कम मार्क्स आता है। कोई बहुत एवरेज स्टूडेंट है, सब उसको सर्टिफिकेट दे देता है, देखो 100 लोग आपका बोलता है वो काम नहीं करता है, आपको क्या बोलता है वो काम आता है। बच्चे मेरे बात समझ में आया, what you are going to tell yourself that is more important, what 100 people tell about yourself that is not important, जो आप अपने को बोलते हो that is called power, understood, हाँ या ना? Yes sir, very good. समझ में आया, enthusiasm, discipline, understanding, concentration, attention, tolerance, यहां तक आ गया।